धनुराशि के जातकों को जुलाई में स्वास्थ्य का बहुत बहुत ध्यान रखना होगा। आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है, कुछ ऐसे फैसले आप ले सकते हैं जो गलत फैसले हो सकते हैं और आर्थिक नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी धनुराशि के जातकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, उपस्थित हुआ हूँ धनुराशि का मासिक राशिफल जुलाई 2023 को लेकर के। जुलाई का महीना जो है धनुराशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, क्या क्या खास आपको देखने को मिल सकता है, कहां सतर्क सावधान रहना है, कैसा आपका स्वास्थ्य रहेगा, कामकाज नौकरी व्यवसाय में क्या क्या उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से क्या सौगात लेकर के जुलाई का महीना आ रहा है, कौन सी तारीखें आपके लिए शुभ रहेंगी और कौन सी तारीखें अशुभ रहेंगी, इन तमाम बातों की चर्चा हम इस राशि फल के अंतर्गत करने वाले। प्रिय दर्शकों, यदि आप धनुराशि के जातक हैं तो इस कार्यक्रम को बहुत ध्यान से सुनिएगा, निश्चित ही लाभप्रद कार्यक्रम आपके लिए होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं राशिफल का एक कार्यक्रम। में शुरू करूं से पहले आपको ये बता दूं, ये राशिफल आपकी जन्म राशि व नाम राशि के अनुसार तैयार किया गया है। इस राशिफल को आप लग्न कुंडली व सूर्य कुंडली से न देखें। और सबसे पहले एक नजर डालते हैं हम धनुराशि के जातकों की ग्रह गोचर स्थिति पर। नवग्रहों की स्थिति जुलाई के महीने में आपके लिए कैसी बन रही है? तो धनुराशि के जो स्वामी ग्रह हैं, देवगुरु बृहस्पति हैं, देवगुरु बृहस्पति और राहु की युति आपके लिए पंचम भाव में बनी हुई है। मेष राशि के अंतर्गत शनिदेव कुंभ राशि में पराक्रम के भाव में स्थित हैं। सूर्य और बुध मिथुन राशि के अंतर्गत सातवें भाव में संचरण कर रहे हैं। शुक्रदेव कर्क राशि के अंतर्गत आठवें भाव में स्थित है। मंगलदेव सिंह राशि में भाग्य भाव नवम भाव में संचरण कर रहे हैं। और केतु की बात करें तो केतु तुला राशि के अंतर्गत लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं। और चंद्रमा की बात हम बाद में करेंगे। एक स्थिति तो कुछ इस तरह की धनुराशि के जातकों की बन रही है। इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच तीन ग्रहों का बदलाव भी होगा, तो उन बदलावों को भी देख लेते हैं कौन कौन से परिवर्तन आपके लिए होने जा रहे हैं। सबसे पहला परिवर्तन शुक्रदेव का होगा। 7 जुलाई 2023 को शुक्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे, कर्क राशि को छोड़कर के सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, भाग्य भाव में जाकर के स्थित होंगे और मंगल के साथ तिथि बनाएंगे। 8 तारीख को बुधदेव का राशि परिवर्तन, बुधदेव मिथुन राशि को छोड़कर के कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, आठवें भाव में स्थित होंगे। 17 तारीख को सूर्यदेव का राशि परिवर्तन, सूर्यदेव भी अष्टम भाव में आकर के स्थित होंगे। और 25 तारीख को पुनः बुधदेव का राशि परिवर्तन होगा, बुधदेव कर्क राशि को छोड़कर के सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और भाग्य भाव में आकर के स्थित हो जाएंगे। वहीं बात हम चंद्रमा की करें तो प्रिय दर्शकों, चंद्रमा बहुत ही गतिशील ग्रह हैं। चंद्रमा 2 से 2.25 दिन के भीतर ही अपनी राशि परिवर्तन कर देते हैं। चंद्रमा जब भी शुभ ग्रहों के साथ होते हैं, शुभ भावों में होते हैं, तो निश्चित ही हमें लाभ देने का कार्य करते हैं। लेकिन वही चंद्रमा जब क्रूर ग्रहों के साथ स्थित हो जाए, पापिक ग्रहों के साथ तिथि बना ले, जन्म पत्रिका के कमजोर भाव में 6, 8, 12 इत्यादि भाव में संचरण करने लगे, तो निश्चित ही हमें हानि पहुंचाने का कार्य भी करते हैं। और फलस्वरूप एक महीने के भीतर 6 से 8 दिन हम सबके जीवन में, आपके हों या हमारे, हम सबको ऐसे अवश्य देखने को मिलेंगे जब हमें मानसिक अशांति, अज्ञात भय, किसी न किसी प्रकार की चिंता, शारीरिक थकावट, घर हो, आपका कार्य क्षेत्र हो, पारिवारिक क्षेत्र हो, धन का क्षेत्र हो, कहीं ना कहीं मानसिक अशांति, अज्ञात भय, हानि की स्थितियां आपको देखने को मिलती हैं। तो कौन कौन सी ऐसी तारीखें धनुराशि के जातकों को देखने को मिल सकती हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे शुभ तारीख। जुलाई के महीने में धनुराशि के जातकों को 2, 3, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 23, 24, 29 और 30 जुलाई शुभ तारीखें देखने को मिलेंगी, लाभप्रद तारीखें देखने को मिलेंगी। वहीं 4, 5, 10, 11, 18, 19, 25, 26, 27 और 28 जुलाई आपको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना है, ये तारीखें आपके लिए अशुभ तारीखें साबित हो सकते हैं, सामान्य तारीखें रहेंगी। ये तो धनुराशि के जातकों की संपूर्ण ग्रह गोचर स्थिति रही। अब इस ग्रह गोचर स्थिति के भी सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो धनुराशि के जातक हैं, आपको जुलाई के माह में सतर्क सावधान अवश्य रहना है। प्रथम सप्ताह शुक्रदेव अष्टम भाव के अंतर्गत रहेंगे, शेष 3 सप्ताह सूर्य बुध यहां पर युति बनाएंगे, निश्चित ही सावधानियां आपको अवश्य बरतनी है। धनुराशि के यदि जातक हैं तो त्वचा से संबंधित विकार, पित्त व कफ प्रकृति से संबंधित समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं, कहीं ना कहीं नेत्रों से संबंधित समस्याएं, आधा सीसी का दर्द, यदि माइग्रेशन इत्यादि की प्रॉब्लम है तो ज्यादा बढ़ सकती है। तो विशेषकर सतर्कता सावधानी आपको बरतनी होगी, खान पान का ध्यान रखिएगा, स्वच्छता का ध्यान रखिएगा, वाहन इत्यादि चलाते हैं तो सतर्कता सावधानी के साथ ड्राइव करिएगा, सेफ ड्राइव करिएगा। स्वास्थ्य में लाभ के लिए आपको हर शुक्रवार को मां लक्ष्मी के मंदिर में या लक्ष्मी नारायण के मंदिर में कुछ सफेद वस्तुओं का दान अवश्य करना है सायंकाल को, और प्रतिदिन सूर्यदेव को जल चढ़ाना, आदित्य हृदय स्त्रोत्र का पाठ करना आपके लिए विशेष लाभप्रद रहेगा।
कार्य क्षेत्र की बात करें तो कर्म भाव दसवें भाव के स्वामी आपके लिए बुधदेव बनते हैं, जो कि सातवें भाव में स्थित है। कर्म भाव दसवें भाव में कोई भी ग्रह स्थित नहीं है। कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखें तो मिश्रित प्रभावशाली रहेगा। वैसे कुछ क्षेत्रों में आपको विशेष लाभ होगा। यदि आप नौकरी के क्षेत्र में हैं तो कहीं ना कहीं मंगलदेव आपका मंगल कार्य करेंगे, निश्चित ही लाभप्रद स्थितियां रहेंगी, भाग्य का सहयोग देखने को मिलेगा। सातवें भाव में सूर्य बुध की युति है तो कार्य क्षेत्र में जीवन साथी का सहयोग आपको देखने को मिलेगा। कुछ क्षेत्रों में आपको विशेष रूप से सतर्क सावधान भी रहना होगा। विशेषकर आप बैंकिंग सेक्टर इत्यादि के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, विद्या व अध्ययन से संबंधित कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, थोड़ी सी सतर्कता सावधानी भी आपको अवश्य बरतनी चाहिए। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं तो भी सतर्कता सावधानी आपको अवश्य बरतनी चाहिए। अपनी वाणी को कंट्रोल में अवश्य रखिएगा। आपकी वाणी विवादित बोल बोल सकती है, ऐसी स्थिति में आपको सावधानियां अवश्य बरतनी है। आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से देखें तो आर्थिक स्थिति के स्वामी शुक्रदेव आपके लिए बनते हैं। प्रथम सप्ताह आठवें भाव में स्थित रहेंगे, उसके उपरांत भाग्य भाव में रहेंगे, तो निश्चित ही आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से भी प्रथम सप्ताह संघर्ष भरा आपके लिए साबित हो सकता है। कहीं ना कहीं खर्च अत्यधिक हो सकते हैं, खर्च मेडिकल से संबंधित हो सकते हैं, स्वास्थ्य को लेकर के हो सकते हैं, अनावश्यक खर्च होंगे। लेकिन जो शेष तीन सप्ताह है वहां कहीं ना कहीं बैलेंस आपका रहेगा, क्योंकि यहाँ पर केतु का भी संचरण है, तो निश्चित ही कुछ ऐसे क्षेत्रों में आप गलत डिसीजन अवश्य ले सकते हैं। आप मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट इत्यादि में इन्वेस्ट करते हैं, या कुछ गलत निवेश आप कर सकते हैं जिसके कारण आपको हानि हो सकती है। यदि आप लेन देन का कार्य करते हैं तो भी आपको सतर्कता सावधानी जरूर बरतनी चाहिए, कहीं ना कहीं धोखा व फ्रॉड आपके साथ हो सकता है, तो इस बात का आपने जरूर ध्यान रखना है। जुलाई के महीने में विद्यार्थी वर्ग को विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना है। यदि आप धनुराशि के जातक हैं, विद्यार्थी वर्ग है, तो विद्यार्थी वर्ग को विशेष रूप से सतर्कता सावधानी बरतनी है। अपने मन को एकाग्र करिए, अपने अध्ययन पर आपको फोकस करने की आवश्यकता पड़ेगी। प्रेम इत्यादि के मामलों में गलत रूप से आप फंस सकते हैं, इसलिए विशेष सावधानियां आपको बरतनी है। अपनी पढ़ाई पर आपको फोकस करने की आवश्यकता पड़ेगी, निश्चित ही लाभ आपको अवश्य होगा। तो कैसी आपको ये जानकारी लगी हमें अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ज्योतिष से संबंधित व्यक्तिगत कोई जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर हमारे नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको नंबर मिल जाएंगे।